अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसको मैं तफसील से आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट करें, आया हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे या हम इसका मतलब निकालते हुए ट्रांसलेट करेंगे। सो इस वीडियो में हम पूरा इसको गौर से, पूरा इसको तफसील से देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं जो है एक सेंटेंस लेती जाऊँगी, उसके मैं आपको वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगी, फिर उसका टेंस भी बताऊंगी कि ये किस टेंस से ताल्लुक रखता है, देन उसके हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस पैराग्राफ। किताबें भी अजीब नेमत हैं, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगी को तारीख कर देते हैं तो ये सच्चे दोस्त की तरह शीरी अल्फाज से हमारी ढारस बंधाती हैं। जब अहबाब और रिश्तेदार हमारी बदबख्ती की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, उसके साथ साथ हिम्मत और इस्तिक्लाल से मुश्किलात पे गालिब आने का सबक देती हैं। ये इंसान की हज़ारों साल की दानाई का निचोड़ है। ये दुरुस्त है कि हम तमाम किताबें अच्छी नहीं होती, बास तो सांप से ज़्यादा जहरीली और बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इनसे बचना वाजिब है, किताबों के इंतखाब में एहतियात बरतना चाहिए। तो ये एक पूरा पैराग्राफ है, छोटा सा, इसके हम ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखें, मैंने फर्स्ट टू लाइंस ले ली हैं। किताबें भी अजीब नेमत हैं, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगी को तारीख कर देते हैं। हम यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि किताबें भी अजीब नेमत हैं। अजीब से मुराद ये नहीं है कि कोई अजीब गरीब किस्म की हैं या वियर्ड हैं, यहाँ पे अजीब से मुराद ये है यानी काफ़ी वंडरफुल हैं, काफ़ी शानदार हैं। किताबें भी एक शानदार नेमत है, इस तरह का सेंस है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ना, वो किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है? वो प्रेजेंट सिंपल से, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, कोई हम उसमें वो नहीं बता रहे, यानी कि कोई वर्ब नहीं बता रहे, कोई एक्शन नहीं बता रहे, तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद इस मार के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। और जब रंजो अलम के बादल हमारे ज़िंदगी को तारीख कर देते हैं, तो तारीख करना ये एक एक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? तारीख कर देते हैं, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट से ताल्लुक़ रखता है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये सूरज का इजाफा जब होता है जब सब्जेक्ट में ही शी इट आ जाए, है ना, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो चले पहले हम इसकी जो है वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। नेमत को हम बोलेंगे ब्लेसिंग, और यहाँ पे जो अजीब है ना, इसको हम वियर्ड नहीं बोलेंगे अजीब के लिए, बल्कि हम यहाँ पे अमेजिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक शानदार नेमत है, इस तरह का हमारा सेंस है। अच्छा, ग्रीफ एंड सोरो, ये है रंजो अलम, रंजो अलम के लिए हम यूज़ किया ग्रीफ एंड सोरो, ठीक है। और जो है डार्किन, तारीख कर देना, तारीख करना, डार्किन क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब है तारीख कर देना। जबकि ग्रीफ एंड सोरो जो है हमारे क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ब्लेसिंग भी नाउन ही है, ठीक है। तो चलें इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो था ना, किताबें भी अजीब नेमत हैं, इसको हमने प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। तो देखें, बुक्स आया सब्जेक्ट, देन उसके बाद आर का यूज़ करा, क्योंकि बुक क्या है? प्लूरल है। तो बुक्स आर अ वंडरफुल ब्लेसिंग, अ वंडरफुल ब्लेसिंग मतलब एक अजीब नेमत, एक शानदार नेमत है, ठीक है। वैन, जब के लिए हमने यूज़ किया वैन, द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो, यानी कि रंजो अलम के बादल, द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो, और यहाँ पे हमने वर्ब का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, क्योंकि क्लाउड्स क्योंकि प्लूरल है, इसकी वजह से हमने वर्ब में ये सोरस का इजाफा नहीं किया। तो डार्किन आया, डार्किन आवर लाइफ, द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो डार्किन आवर लाइफ। तो ये क्या बन गया? बुक्स आर अ वंडरफुल ब्लेसिंग, किताबें भी अजीब नेमत हैं। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो डार्किन आवर लाइफ, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगी को तारीख कर देते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। देखें, तो ये सच्चे दोस्त की तरह शीरी अल्फाज से हमारी ढारस बंधाती हैं, तो ढारस बंधाती हैं ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वही फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये सर उसका इजाफा जब होगा, जब ही शीट आ जाए सब्जेक्ट में, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम इसकी वोकेबलरी देखते हैं। कंसोल, कंसोल बेसिकली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ढारस बंधाना या तो तसल्ली देना, इस तरह का सेंस होता है, यानी ये हमें सच्चे दोस्त की तरह शीरियल से स्वीट अल्फाज से जो है हमें क्या देती हैं? ढारस देती है, तसल्ली देती है, ठीक है। स्वीट वर्ड्स हो गया शीरी अल्फाज, और ट्रू फ्रेंड हो गया सच्चा दोस्त। अब इसको देखें किस तरह से यूज़ करेंगे। दे कंसोल अस, ये हमें ढारस बनाती हैं, ये हमें तसल्ली देती हैं विथ स्वीट वर्ड्स, किसके साथ देती हैं? शीरी अल्फाज से, लाइक अ ट्रू फ्रेंड मतलब सच्चे दोस्त की तरह, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब अहबाब और रिश्तेदार हमारी बदबख्ती की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ठीक है। तो मुंह मोड़ लेना, यहाँ पे हम बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट बेसिकली हम वीरान सहरा के लिए भी बोलते हैं, लेकिन जब इसको इस वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है छोड़ जाना, चले जाना, यानी हमारी ज़िंदगी को वो
बंजर बना के चले जाते हैं, वो वीरान छोड़ जाते हैं, इस तरह का सेंस होता है। तो डिज़र्ट का हम यहाँ पे बेसिकली डेजर्ट डेजर्ट हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो डेजर्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। और की वजह से के लिए हमने यूज़ करा ड्यू टू के बाद जो है हम वो नाउन आ जाएगा, यानी कि हमारी जो बदबख्ती है उसकी वजह से, बदबख्ती को हम बोलेंगे मिसफॉर्च्यून, ठीक है। इसको सेंटेंस में बनाएंगे व्हेन अ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, बदबख्ती मतलब होती है बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी, कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि हमारे अहबाब और रिश्तेदार हमसे परेशान हो जाते हैं और वो हमारी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, मतलब वो हमारी एक तरह की बदबख्ती हो गई, बुरी किस्मत हो गई, ठीक है। वरना करतूत हमारे अपने ही होते हैं। अच्छा, वैन जब आर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि अहबाब और रिश्तेदार, डेजर्ट डेजर्टर्स मतलब वो छोड़ देते हैं हमें, हमारी ज़िंदगी को वीरान कर देते हैं ड्यू टू आर मिसफॉर्च्यून, हमारी मिसफॉर्च्यून की वजह से, हमारी बदबख्ती की वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, ये मतलब हमारी जो किताबों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किताबें जो है मेन सब्जेक्ट है, तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारा हौसला बढ़ाती है, यानी ये जो किताबें हैं हमारी साथ नहीं छोड़ती हैं। तो साथ छोड़ना इसके लिए हम यूज़ करते हैं फोरसेक, फोरसेक का यूज़ करते हैं छोड़ने के लिए, ठीक है। और इंकरेज का यूज़ करते हैं हम हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाती हैं ये, तो बनेगा बुक्स डू नॉट फोरसेक अस। तो क्योंकि ये बहुत पहले बुक्स का यूज़ हुआ था, इससे पहले वाली लाइन में जो है, क्योंकि हमने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे इसका नाउन को दोबारा यूज़ कर लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स डू नॉट फॉरसेक अस, यानी कि ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, दे इंकरेज अस, और ये भी क्या है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसके साथ साथ हिम्मत और इस्तेक्लाल से मुश्किलात पे गालिब आने का सबक देती हैं। तो इसके साथ साथ के लिए तो हम यूज़ कर लेंगे एज़ वेल एज़ का, इसके साथ साथ, ठीक है। और गालिब आना, ठीक है, तो उसके काबू पा जाना किसी मुश्किलात पर, उस पर तो हम ओवरकम का यूज़ करते हैं, ओवरकम यानी गालिब आ जाना, काबू पा लेना। और परसेवरेंस होता है इस्तेकलाल, इस्तेकलाल यानी कि साबित कदमी, कोई चीज़ पर आप डटे रहते हैं, ठीक है। और हिम्मत तो करेज हो गई, तो यहाँ पे देखिए सबक देती है, सबक देना मतलब वो हमें पढ़ाती है, हमें टीच करती है, इस तरह का सेंस है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एज़ वेल एज़ टीचर्स, एज़ वेल एज़ टीचर्स, क्योंकि हमने बुक्स का पहले हमने यूज़ कर लिया, तो ये बेसिकली वही लाइन आ रही है, दैट्स वाई हमने दोबारा से इसका कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ नहीं किया। तो एज़ वेल एज़ के बाद हमने टीच का यूज़ कर लिया, एज़ वेल एज़ टीचर्स, हमें वो पढ़ाती है, हमें वो सबक देती है, इसी तरह का सेंस है। टू ओवरकम, टू ओवरकम मतलब गालिब आने के लिए, डिफ़िकल्टीज़ पर काबू पाने के लिए वो हमें क्या देती है, सबक देती है, विद करेज एंड परसेवरेंस, हिम्मत और इस्तेक्लाल से। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये इंसान की हज़ारों साल की दानाई का निचोड़ है। तो निचोड़ है यहाँ पे, ये क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, यानी इस एमआर का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम इसकी वोकैब देखें तो एसेंस मतलब होता है निचोड़, खुलासा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो निचोड़ कह लें एसेंस। देन उसके बाद स्पेन का यूज़ करेंगे मुहित, यानी हज़ारों सालों पे ये मुहित है, उसकी दानाई का निचोड़ है, ठीक है। और विश्रम हम दानाई के लिए यूज़ करेंगे, किस तरह देखें, बुक्स आर, ये हम दोबारा से यूज़ करने, ये के लिए हमने दोबारा बुक्स को यूज़ कर लिया, बुक्स आर द एसेंस ऑफ मेन्स विजडम, ठीक है, बुक्स आर द एसेंस ऑफ मेन्स विजडम, यानी कि जो है इंसान की दानाई का निचोड़ है, किस पर मुहित है वो, स्पेनिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, यानी कि जो के हज़ारों सालों पे मुहित हैं, ठीक है, इस तरह का सेंस है। तो बन गया बुक्स आर द एसेंस ऑफ मेन्स विजडम स्पेनिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये दुरुस्त है कि तमाम किताबें अच्छी नहीं होती, ये दुरुस्त है कि तमाम किताबें अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने देखा दुरुस्त के लिए हम ट्रू यूज़ कर सकते हैं, यानी ये सच है, ये दुरुस्त है की बात है, या राइट का यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद गुड अच्छा होता है। इट इज़ ट्रू, यानी कि ये दुरुस्त है, ये सही है, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हुआ है क्योंकि एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इट इज़ ट्रू यानी दैट के नॉट ऑल बुक्स, यानी कि तमाम किताबें नहीं, आर गुड, अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू दैट नॉट ऑल बुक्स आर गुड, अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बास तो सांप से ज़्यादा जहरीली और बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, वही है प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखें, पॉइजनस मतलब होता है जहरीली, डेंजरस मतलब होता है ख़तरनाक, और स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू। देखें यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो है किसी चीज़ से हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी सांप से कंपैरिजन, यानी सांप के जहर से कंपैरिजन कर रहे हैं, कि जो बुक्स हैं अक्सर बुक्स जो है ऐसी होती हैं जो कि सांप से ज़्यादा जहरीली होती हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम बुक्स आर मोर पॉइजनस,
मोर का यूज़ हमने क्यों किया, कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की है इसकी। मोर पॉइजनस मतलब से ज़्यादा जहरीली, देन का यूज़ कर लिया हमने, देन अ स्नैक सांप से ज़्यादा जहरीली होती है, एंड मोर डेंजरस देन अ स्कॉर्पियन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इनसे बचना वाजिब है, वाजिब है यानी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्पेरेटिव का यूज़ करेंगे, इम्पेरेटिव ज़रूरी वाजिब कुछ भी कह सकते हैं। देन उसके बाद अवॉइड बचना या इग्नोर करना, इस तरह का सेंस होता है ना, तो हम बोलेंगे इट इज़ इम्पेरेटिव टू अवॉइड दैम, इट इज़ इम्पेरेटिव टू अवॉइड दैम, यानी इस तरह की जो बुक्स हैं जो कि हमारे दिमाग को ख़राब कर सकती हैं, उन बुक्स से हमें बचना ही चाहिए, हमारा बचना ज़रूरी है। नेक्स्ट है किताबों के इंतखाब में एहतियात बरतना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो ज़ाहिर है नहीं, लेकिन हम क्यों, क्योंकि सबके लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यानी किसी इंसान को, यानी एक इंसान को, तो वन का यूज़ कर लेंगे। एहतियात बरतना, इसके लिए हम बी केयरफुल का यूज़ कर सकते हैं, मोहतात रहना, एहतियात बरतना एक ही बात है, और चॉइस मतलब इंतखाब, तो बनेगा वन शुड बी केयरफुल। वन शुड बी केयरफुल मतलब हमें जो है एहतियात बरतना चाहिए, हमें एहतियात बरतना चाहिए किस में, इन चॉइस ऑफ बुक्स, किताबों के इंतखाब में। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। तो चलें इसके पैराग्राफ को हम पूरा पढ़ लेते हैं। देखें, बुक्स आर अ वंडरफुल ब्लेसिंग व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो डार्कन अवर लाइफ, दे कंसोल अस विद स्वीट वर्ड्स लाइक अ ट्रू फ्रेंड, व्हेन आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स डेजर्ट अस ड्यू टू आवर मिसफॉर्च्यून, बुक्स डू नॉट फॉरसेक अस, दे इनकरेज अस एज वेल एज टीच अस टू ओवरकम डिफिकल्टीज विद करेज एंड परसिवरेंस। बुक्स आर द एसेंस ऑफ मैन्स विजडम स्पेनिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इट इज़ ट्रू दैट नॉट ऑल बुक्स आर गुड, सम बुक्स आर मोर पॉइजनस देन अ स्नेक एंड मोर डेंजरस देन अ स्कॉर्पियन। इट इज़ इम्पेरेटिव टू अवॉइड दैम, वन शुड बी केयरफुल इन चॉइस ऑफ बुक्स। होप कि आपकी नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई सेंटेंस आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा कि जिसको मैं ट्रांसलेट करूँ, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।